ये है और इसको भी ईद के बाद देखेंगे। उतार लिया मैंने ये रहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सबका मेरे सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। सबसे पहले तो बड़े दिनों बाद बाइक साफ की है एक दफ़ा। ओ यार फोकस हो। हाँ आज कुछ मज़ा आ रहा है बाइक को देखने का। तो पिछले ब्लॉग में मैंने पूछा था कि हारन उतारने के रहने, तो बाइक का कमेंट आया कि इसको उतार दो, तो आज हम इसको उतार देंगे। और मैं जल्दी जल्दी मैं आज काम कर रहा हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है और मैंने कहीं जाना है अर्जेंट, तो उसको ज़रा उतार लें। ओ यार वो भी खोल के उसकी वायरिंग, चलो वो बाद में कर लेंगे। तो उसको पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि वो फिट कैसे किए हुए हैं। ओहो तो यार इधर से ही नज़र आना। ओ यार वो आपको नज़र आ रहा होगा, वो यूरो 2 का है क्या उसको कहते हैं, पता नज़र आ रहा कि नहीं। वो यूरो 2 का जो 7 बोल्ट होता है उसके साथ पतरी लगा के इस वाले को फिट किया है, और ऐसी पतरी लगा के उस वाले को फिट किया है। और ये इसको मैंने बड़ी कोशिश की, ये सही नहीं हो सकते, अभी भी इसका वही हाल है। तो ये बहुत रफली फिट किया हुआ है, ये जो वायर है बिल्कुल देखें, ये अर्थ की वायर है। वो यार उधर भी लगी हुई है यार, क्या इस बोर्ड को खोलना पड़ेगा, इसके साथ दोनों फिट हैं और कोई मुश्किल काम नहीं है। अच्छा इसको मैं खोल लूँ, फिर एक आज काम है उधर जाना है। आज बाइक की कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, बस यही करना है और एक काम है उधर जाना है, ये मैं कर लूँ फिर मैं बताता हूँ कौन सा काम है। अच्छा जी, तो हारन उतार ली है मैंने ये रहे। तो ये इसकी अर्थ वाली वायर है, अर्थ वाली बिजली वाली वायर लगाई हुई है अर्थ के लिए, और ये इसके क्लंप है। इसको अब अगर मैं उतारने बैठूँगा सारा दिन लग जाना है, क्योंकि ये पूरी बॉडी में इसके वायरिंग है, पीछे कोई किट लगी है इसकी और बैटरी साथ कनेक्टेड है, और ये भी बहुत अच्छी वायर्स हैं गाड़ियों में लगती हैं वो वाली। मैं पता नहीं क्यों बार बार ही कहता रहता हूँ। अच्छा इसको हम करेंगे कुछ यूँ कि इधर, ओहो किधर हैं ये। अच्छा इनको ना हम नीचे से फंसा कर टैंकी के ऊपर कर देंगे और फिर नज़र नहीं आएंगी, क्योंकि इनको उतारना बड़ा मुश्किल काम है। सारी बाइक के फ्यूल टैंक सीट्स कुछ खोलना पड़ना है, कि अंडरग्राउंड वायरिंग की हुई है। हो जाओ यार, चलो जी इसकी तो को ना दूसरी बाइक के साथ लगा के ऊपर टेप लगानी पड़नी है, वो मैं बाद में करता हूँ, पहले इसको मैं कर रहा हूँ। ये पहले ही पैक करके रख। अच्छा ये पतरी मैंने खुद बनाई थी, ये बिल्कुल सीधी पतरी थी, उसके अंदर सुराख करके उसको फिर दो रैंच से पकड़ के टेढ़ा करके फिर ये बनाई थी पतरी। और दूसरी किधर गई, अच्छी लगी हुई है। अच्छा जी तो हारन मैंने उतार ली है, और यार वो अभी भी नहीं मैंने वायरिंग का सेटअप किया, वो बाद में करता हूँ। अच्छा मैंने कुछ लॉस पहले ये वाले ब्लॉग ये आपको यहाँ पर शो हो रहा हो, इस ब्लॉग मैंने आपको इस चीज़ का बताया था। तो ये एक प्रोजेक्ट है, ये कब का ऐसे ही पड़ा हुआ है कि अभी इसको ना करने में मेहनत बड़ी लगनी है, बहुत खजल खबर होना पड़ना है, क्योंकि आज से किसी ने भी नहीं किया, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। तो अब तो ईद भी आ रही है, टाइम भी कम है, तो इसके लिए ना पूरा दिन खजल खबर होना पड़ेगा इस चीज़ को बनाने के लिए। और वो मैंने एक चिमटा पेंट करने का भी कहा था, तो वो भी नहीं अभी तक किया, टाइम नहीं लगा। खैर उसको भी हम ईद के बाद ही देखेंगे, आज मेरे ख्याल से 14 या 15 तारीख है, तो ईद थोड़े दिन रह गए ईद में, और इसको भी ईद के बाद देखेंगे। अभी फ़िलहाल आज एक काम जाना है, तो अभी मैं घर डायरेक्ट सोने लगाऊँ कि गर्मी बहुत लग रही है, तो बाइक घर खड़ी करके सोने लगाऊँ मैं, तो शाम को जाना है उस काम। यार क्या मेरे साथ बोला जा रहा, तो अभी बाइक गर्मी बहुत लग रही है इसलिए मेरे से ना दिमाग आउट हो गया। वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। नहीं नहीं ये वही ब्लॉग है। अच्छा पिछले ब्लॉग मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताई थी, इधर लगी होती है ये है, ये ब्रेक का स्विच है जिससे बैक लाइट चलती है, तो इसको भी मैंने उतार दिया था ताकि थोड़ी और लुक अच्छी हो जाए, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं लगता लगा हुआ। अब ना ये वाला जो पाइप है ये ओवर फ्लो का पाइप है, तो ये भी मैं सोच रहा हूँ उतार दूँ, लेकिन अगर मैंने इसको उतारा और बाइक कभी चलते हुए ओवर होगी और गर्म हुई, यहाँ से पेट्रोल लीक होगा और बाइक में आग लग सकती है, तो ये काफ़ी डेंजरस है। तो इस पाइप को ना यार कुछ ना मैं इसको उधर वाली साइड भी नहीं कर सकता, वो उधर नहीं आ जाएगा, इसको पहले तो निकालते हैं ना बाहर।
और इसके अंदर डाल देते हैं, देखते हैं कैसी लुक बनती है। चल जिया, ओहो के नीचे से खुला ही होता फ्रेम, वो सही लग रहा है, अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। और यार ये जो है ना सिर्फ मिट्टी है, ग्लास कहते हैं जो मिट्टी जम गई है, जो उतर नहीं सकती, उतर सकती है थोड़ा केमिकल वगैरह लगा के, और बाकी ये अच्छा लग रहा है। इधर ये वाला पाइप है, इसकी खैर है इतना नज़र नहीं आता है। बाकी क्या था, बाकी अब बस मियाँ की तरफ जाना है, दोस्त की तरफ, ज़रा काम है वो मैं आपको जाके करता हूँ। उससे पहले ना यार ईद आ रही है, और इस दफ़ा ईद पे कोई नहीं प्लान है कि जैसे पिछला ईद वाला ब्लॉग आपने देखा होगा काफ़ी अच्छा बना था, उस तरह का इस दफ़ा कुछ नहीं करना है, क्योंकि तो कोई नहीं। अच्छा बस ये ना ईद गुजर जाए, दो तीन दिन रह गए ईद में, फिर इस पर ज़रा हैवी वाली मॉडिफिकेशन स्टार्ट करते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें चेंज कराते हैं ज़रा। एक मैंने बड़ी सी चीज़ सोची हुई है, वो करते हैं। और हाँ वो पेंट भी ईद के बाद ही करेंगे, इसको मैं अब घर रख के आऊँ, और फिर चलते हैं मी की तरफ, मैं जा सकता हूँ क्या काम है। अच्छा यार जाने से पहले बाइक का कोल्ड स्टार्ट कर लूँ ज़रा, इतनी तेज़ गर्मी है फिर भी मैं कोल्ड स्टार्ट करता हूँ बाइक को, क्योंकि जो लोग 1 to 5 चलाते हैं, बाकी बाइकों का मुझे नहीं पता है, 1 to 5 कोल्ड स्टार्ट करने से काफ़ी फ़र्क पड़ता है जाने में, अगर कोल्ड स्टार्ट ना करें तो बहुत खिंची सी बाइक चलती है, मज़ा नहीं आता चलने में, इस तरह ज़रा खुल डुल के चलने लग पड़ती है। कोई अभी पूरा नहीं हुआ कोल्ड स्टार्ट, जब इंजन बिल्कुल सेट आवाज़ करने लग जाए ना, मतलब कोल्ड स्टार्ट पूरा हो गया, मतलब ख़त्म हो गया, तो मैं बाइक काफ़ी कम निकालता हूँ। यार मैं आ गया हम दरबान की तरफ। हेलो, सलाम लिया कर, अस्सलाम वालेकुम। यार हिंदू लोग भी होते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते यार, नहीं यार सारे एक जैसे हैं। चलो चल गए, किधर जाना है? ओ हाँ सच, वो पहले अब्दुल्ला की तरफ चल गया। अच्छा मैंने मियाँ के साथ जाना था एक काम, अभी रास्ते में हमें ना अब्दुल्ला हमारा दोस्त तीसरा हमारा दोस्त मिला, उसने हमें ना ये दिया, ये है क्या ये ग्लोव्स क्या होता है मेरे, ये रैप है, रैप है, चलो पेपर आ अब्दुलमान थप्पड़ खा लेने, एक मिनट पकड़ा। अच्छा ये उसने हमें दिया कि ये उसके गाड़ी नहीं खड़ी, तो सब लगा हुआ था गाड़ी पे, देख लो वीडियो मेरे को पूछ लिया, नहीं रहने दे तू। वो उसने अपनी गाड़ी पे करवाया था रैप, उसमें से काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ हमने इतना से ले लिया। और यार किधर उतर ज़रा, मैं आप तो क्या सोच रहा हूँ, मेरे पास एक आइडिया है। क्या यार मैं कह रहा हूँ ये जो स्प्रिंग है ना इन पर कराते हैं, ज़्यादा लगना ही नहीं इन पर, थोड़ा सा लगना है, लगा लो भाई, इसने कौन सा लगा के देना, लगा देना, क्यों लगा के देगा, नहीं देगा, देगा नहीं देगा भाई, देगा और नहीं देगा भाई, क्या क्यों नहीं देगा, चल देख लूंगा। तू किधर कह रहा है फायदा नहीं लगवाने यार, मैं वैसे ये मरगाड़ पे ना, अच्छा ये ना मेरे से एक दफा टूट गया था तो यार फिर मान शर्म का, अच्छा ये ना एक दफा टूट गया था तो बेल्ट करवाया हुआ अपने गाड़ी के साथ, यार इसके ऊपर करवा लें ब्लॉग में नहीं जवाब देना, चल मैं कहता हूँ कि उधर शॉक स्प्रिंग पे लगाते हैं, मज़ा आएगा। क्या देखी जा रहा है, खरीदनी है तो एक आ ले ले, उतने पैसे जितने बताए ब्लॉग में ना बता देंगे दे। अच्छा ये ना रेम पे ये जंग अखीर किस्म का जंग है, और ये क्रोम उखड़ गया हुआ है, ये दोबारा सही नहीं हो सकता, नया पुआ दो फिर। यार मैं कहता हूँ यहाँ पे कराएं, हैं अब्दुलमान बच जाना है, ये इतने स्टेप लगा दें सही लगेगा यार, हैं मेरे ख्याल से सही लगेगा। चल पहले स्प्रिंग पर लगाते हैं ना, अगर बचा तो वहाँ पे भी लगा देंगे, चलो उसको उठाओ, क्या बंद तो कर दे, क्यों करेगा बताता हूँ यार, पर्सनल बात यू नो ब्लॉग, क्या कहता दरमान है गुजार दे फिर, मिशन है मिशन, डर या पानी, डर के आगे जीत है, चलो थोड़ा या पानी है, चलो सोच ले पीछे ना ही कोई वो है, इसको क्या कहते हैं कोई ना उधर से जा, मेरे सारे पीछे से गंदा हो जाएगा,
उतर जा तू। हाँ यार मेरा भी वाइट सूट है, थोड़ा गंदा हो जाना यार। एक गटर बंद है क्या है ये? यार उर्दू मतलब समझाया, उर्दू बोलनी बस यार। यार इतना लंबा उधर से जाके ना, वो पीछे से जाके उधर को जाना है, बड़ी समय लगनी है उधर से जाके। चलो गाड़ी आ गई है। ओ यार मेहरान तेरा बेड़ा करा कुछ। स्प्रिंग हमने मैंने करवा लिए हैं ये रैप, और लाइट पड़ने पे बड़े से लग रहे हैं, और वैसे भी सही लग रहे हैं, लेकिन एक चीज़ वो डिस्ट्रैक्ट करती है ना, वो ये चीज़, ये थोड़ा ओवर लग रहा है थोड़ा। चल तेरा बेड़ा कर रखो जी। अच्छा ये बस थोड़ा ओवर लग रहा है, इसको उतार दूँ कि रहने दूँ? चलो यार यही कमेंट में बता दो कि ये जो रिफ्लेक्टर लगे हैं ना, इनको उतार दूँ कि लगे रहने दूँ? तो बाकी उस ब्लॉग का कंटेंट बिल्कुल डिफरेंट, कुछ और टॉपिक था तो बिल्कुल चेंज कर दिया, और अब काफ़ी रैप बच गया मेरे पास, तो वो आप लोग बिल्कुल यार सब लोग सबसे पूछ सब कुछ पूछे करना है। आ जा बाहर। जब ये ना फिलहाल मेरे से नाराज़ हो गया कि नहीं, हाँ नाराज हो गया, क्यों है ये नहीं बता सकता। अच्छा फिलहाल इस ब्लॉग में यही पेंड कर रहा हूँ। आपको पता है शुरू से आपका भाई आपके साथ बहस नहीं करता है, एक ही बात कहता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। ओके।